सो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के न्यू वीडियो में। सो अगर आपका भी चूँकि आधार कार्ड में जो आपका नंबर लिंक था वो खो गया है, ठीक है, या बंद हो गया है, या आप लोगों को पता ही नहीं कि हमारे आधार कार्ड में कौन सा नंबर लिंक है, ठीक है, सो आज की मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे चेंज कर सकते हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो पूरा कंप्लीट वॉच कीजिएगा एंड आपको मैं जो भी स्टेप बताऊँगा आपको सिंपली फॉलो करना, ठीक है, एंड आप आसानी से अपना चूँकि आधार कार्ड में अपना नंबर अपडेट कर पाएंगे या चेंज कर पाएंगे, ठीक है, आप दोनों चेंज कर पाएंगे, ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद। तो प्लीज़ इस वीडियो पूरा कंप्लीट वॉच कीजिएगा। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल में प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी हमारी न्यू लेटेस्ट वीडियो तो उनको देखने के लिए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों जो भी मैं आपको स्टेप बताऊंगा आपको सिंपली फॉलो करना, इसके बाद ही अपना चूंकि अपना आधार कार्ड में अपना नंबर अपडेट कर पाएंगे, ठीक है। सो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी डायरेक्ट क्लिक करके आ सकते हैं एंड आप चूंकि अपना क्रोम से भी आ सकते हैं, ठीक है। आपको अपना क्रोम ओपन करना है एंड आपको यहाँ पर सर्च करना है, ठीक है, एनी स्टोर टेक, ठीक है, आपको सिंपली सर्च करना है एंड सर्च करने के बाद आपको सिंपली देख सकते हैं एंड आपको फर्स्ट में ही वेबसाइट देखने के लिए मिल जाएगी एंड आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से क्लिक करके आ सकते हैं, देख सकते हैं, सिंपली इसमें क्लिक करना है एंड आपको फर्स्ट में ही देखने के लिए मिल जाएगी एंड आपको नीचे सेलेक्ट करना है, आपको मेनू बार ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, मेनू बार का देख सकते हैं, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद आपको टेक साइंस पर क्लिक करना है, या तो आप नीचे सेलेक्ट करके यहाँ पर सबसे नीचे आपको पोस्ट देखने के लिए मिल जाएगी, देख सकते हैं, बिना OTP के आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर कैसे बदले, सो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं या आप सिंपली यहाँ पर मेनू पर क्लिक करके आपको टेक साइंस पर क्लिक करना है, ठीक है, एंड जैसे क्लिक करते हैं दोस्तों सो आपको थोड़ा वेट करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको फर्स्ट में ही आपको पोस्ट देखने के लिए मिल जाएंगी, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद यहाँ से आप रीड कर सकते हैं, सारा कुछ डिटेल्स में लिखा हुआ है, ठीक है, एंड चूंकि मेरी ही साइड है आप इसको फॉलो भी कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं दोस्तों आपको सिंपली सिलेक्ट करना है एंड आपको सिलेक्ट करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट में आपको लिखा हुआ है, इसके लिए आपको जो करना क्या है, आपको डाउनलोड आधार करेक्शन फॉर्म, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है, ठीक है, एंड क्लिक करने के बाद आपको ओके करना है, ठीक है, आपको यहाँ पर मेल आईडी कंफर्म करेगा एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कुछ इस प्रकार का फॉर्म देखने के लिए मिलेगा। तो सिंपली आपको इसमें करना क्या है, सिंपली आपको इस फॉर्म को फिल करना है, ठीक है, एंड आपको मोबाइल अपडेट कराना है, तो देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों 2.1 आपको यहाँ पर लिखा है, मोबाइल नंबर पर आपको सिंपली टिक कर देना है यहाँ पर, ठीक है, एंड टिक करने के बाद आपको इसका चूँकि फॉर्म को पहले प्रिंट आउट निकालना है, ठीक है, प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको फॉर्म को सही तरीके से फिल करना है एंड फिल करने के बाद आपको सारी डिटेल यहाँ पर भरना है, ठीक है, एंड आपको जो भी अपडेट कराना है यहाँ पर आप देख सकते 2.1 पर लिखा हुआ सारा कुछ, मोबाइल डेट ऑफ बर्थ जो भी आपके आधार कार्ड में मिस्टेक हो आप सिंपली यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। इसके बाद आपको करना क्या है, आपको सिंपली अपने नज़दीकी चूँकि आपके जो भी नज़दीक में आपका आधार सेंटर आपको वहाँ पर विजिट करना है, ठीक है, एंड आप इसको ऑनलाइन अपडेट नहीं कर सकते, ठीक है, एंड ये नियम चेंज हो चुका है एंड आपको जो भी वीडियो आपको देखने को मिलती है यूट्यूब पर वो सारी फेक है। सो सिंपली आपको जो मैं स्टेप बता रहा हूँ आपको यही फॉलो करना है एंड आपको इस फॉर्म को प्रिंट आउट निकालना है, ठीक है, एंड इसका आपको फॉर्म को फिल करना है एंड इसके बाद अपनी जो आपका आधार कार्ड उसकी भी फोटो कॉपी लेना है, आपको दोनों को साथ में लगाने के बाद आपको अपने आधार कार्ड सेंटर पर विजिट करना है जो भी आपके नज़दीक में हो, ठीक है, एंड वहाँ पर आपको चूँकि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद आपको 48 से 72 घंटे के अंदर ही आपका चूँकि मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा आपके आधार कार्ड, कुछ केस में आपको थोड़ा टाइम भी लग सकता है, 7 डेज के अंदर आपका कन्फर्म है कि आपका चूँकि अपडेट हो जाएगा आपका मोबाइल नंबर, ठीक है, एंड आपको जो मैंने स्टेप बताया आपको सिंपली यही फॉलो करना है। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड जो भी मैंने इस वीडियो में आपको मेथड बताया, ठीक है, आप इन्हीं के माध्यम से अपना आधार कार्ड में जो कि नंबर अपना अपडेट करा सकते हैं, चेंज करा सकते हैं, ठीक है, एंड आपको कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, आप घर बैठे इसको अपडेट नहीं कर सकते, आपको सिंपली विजिट करना ही होगा आपके अपने आधार सेंटर जो भी आपके नज़दीक में, आपको वहाँ पर जाना ही होगा, इसके पश्चात ही अपना चूँकि नंबर अपना अपडेट करा सकते हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आप वीडियो पसंद आई प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।